तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद क्या है ताजा हालात? अमेरिका के बाद किस देश के आसमान में दिखा बलून? अमेरिका में दिखे दूसरे बलून पर क्या है चीन की सफाई? दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप में मौत का आंकड़ा 3,800 के पार पहुंच चुका है। अकेले तुर्की में 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 13,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम अभी जारी है। सीरिया में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। तुर्की में आए भूकंप के केंद्र सीरिया शहर गजियातेप में था। अकेले सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है। मलबे के नीचे दबे लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी जारी है। तुर्की में 6 से 7.8 तीव्रता के 3 बड़े झटके महसूस किए गए, जिसके बाद ऊंची ऊंची इमारतें भरभरा कर ढहने लगी। तुर्की में सेनलियोर्फा में ऊंची बिल्डिंग भूकंप के झटके नहीं झेल पाई। तुर्की में 3,000 बिल्डिंग गिरने का दावा है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया गया। पीएम मोदी ने आपदा पर शोक व्यक्त करते हुए तुर्की को हर संभव मदद का वादा किया। भारत के एनडीआरएफ, मेडिकल राहत टीम और बचाव कार्य के लिए तुर्की रवाना। तुर्की के राष्ट्रपति ने भूकंप से हुए तबाही को सदी की सबसे बड़ी आपदा बताया है। रूस से भी तुर्की और सीरिया की मदद के लिए इमरजेंसी टीम रवाना हो चुकी है। वहीं तुर्की की अपील पर नाटो की हेल्थ केयर टीम राहत और बचाव कार्य के लिए तुर्की पहुंच चुकी है। साउथ कोरिया ने अपने आसमान में नॉर्थ कोरियाई बैलून को ट्रैक करने का दावा किया है। हालांकि इसे किसी तरह के खतरे की बात से इनकार करते हुए साउथ कोरिया ने कहा, नॉर्थ कोरियाई बैलून स्पाई बैलून नहीं है बल्कि ये एक वेदर बैलून था। चीन ने माना है कि लैटिन अमेरिका में दिखा दूसरा बैलून भी चीन का ही एक सिविल विमान था जो फ्लाइट पर टेस्टिंग कर रहा है। इससे पहले भी चीन का एक बैलून अमेरिका में दिखा था, जिसे साउथ कैरोलिना के पास मिसाइल अटैक से अमेरिका ने मार गिराया था। अमेरिका द्वारा चाइनीज बैलून को मार गिराने के मुद्दे को चीन तूल नहीं देना चाहता। चीन का दावा है कि बैलून वेदर रिसर्च के लिए था और उसे बेवजह अमेरिका ने मार गिराया। चीनी बैलून के चलते अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। परवेज मुशर्रफ के निधन पर उनकी प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा जारी है। सीनेट के सदस्यों ने मुशर्रफ को देशद्रोही बताते हुए उनके लिए दुआ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान पर FATF की तलवार मुशर्रफ की ही देन है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।